केंद्र कैबिनेट रो बड़ा निष्पत्ति डिजिटल इंडिया रा लक्ष्य पूर्ण दिगरे बड़ा पदक्षेप यूपीआई कारोबार को बड़ा प्रोत्साहन डिजिटल इकोनॉमी को सशक्त करुछि ग्रामीण ओडिसा केंद्र कैबिनेट बैठक रे ऑनलाइन कारोबार को त्वरान्वित करबा पई गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति भीम यूपीआई ओ रुपे कार्ड रा व्यवहार उपरे प्रोत्साहन 2600 कोटी रा प्रोत्साहन घोषणा लोकमाने 2022-23 आर्थिक वर्ष पई रुपे क्रेडिट कार्ड ओ भीम यूपीआई व्यवहार पई प्रोत्साहन पाइबे एही प्रोत्साहन गुड़िक P2M बा पर्सन टू मर्चेंट आधार रे दिया जिवो विशेष करी एमएसएमई कृषक श्रमिक ओ शिल्प क्षेत्र रे काम करथुवा बळे भीम यूपीआई अधीन रे दिया जाइथिबा देय पाइबाकु योग्य हेबे सेमानंकु किछि रिहाती मिलिबो डिजिटल देय को सहज ओ सुगम करबा पई केंद्र सरकार एही पदक्षेप ग्रहण करिछंती रुपे कार्ड माध्यम रे 2000 टंका पर्यंत डिजिटल पेमेंट रे दिया जाउथुबा 0.25% प्रोत्साहन को वृद्धि करा जाइछि यहाँ 1.45% को वृद्धि करा जाइछि डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा मोदी सरकार शासन को आसीबा परे डिजिटल इकोनॉमी को प्राधान्य देबा पई April 11 2016 रे यूपीआई बा यूनिफाइड पेमेंट सरफेस रो शुभारंभ करथिले इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम आधार रे एथिरे टंका नेणदेण हेउथुवा बेले स्वाधीन भारतर 75 वर्षर इतिहास रे एहा एक माइल खुंट स्थापित करथुवा भली योजना परिस्थिति एबे एमिति होईछि August 2016 रे सारा देश रे यूपीआई रे पेमेंट 3 कोटी टंका थिबा बेले गोटिए वर्ष रे एबे $46 बिलियन रो नेणदेण भारत रे यूपीआई माध्यम रे हेउछि जब भीम ऐप लॉन्च किया गया था तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शन नोट और सिक्कों के बजाय डिजिटली होंगे तब मैंने ये भी कहा था कि इस बदलाव से सबसे अधिक गरीबों वंचितों छोटे व्यापारियों किसानों आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा वो एम्पावर होंगे आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं हर महीने यूपीआई ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं ओडिशा भी लोक मैंने बहुत भाव एवं यूपीआई पेमेंट करुवा देखा मिलू ग्रामांचल हो कि अपहंच इलाका सबुठी एवं लोके कैशलेस ट्रांजेक्शन को अपणाई नहीं पूर्वरु लोके टंका ट्रांजेक्शन केवल बैंक उपरे निर्भर करुथुले फळरे दुर्गम अंचलर लोके एही सेवा पाइबा पई नाना असुविधार सम्मुखीन हेउथुले टंका नेणदेण पई काही केते किलोमीटर दूररु लोके चली चली आसी बैंक रे अपेक्षा करुथुले हेले बे यूपीआई ट्रांजेक्शन जोगु एही सेवा हाथ मुठारे पाउछंती सेथिपाई मोदी सरकार का एही जोगांतकारी योजना पई ओडिसार ग्रामांचलर लोके बहुत खुशी पैसा धरी धरी जीवार पर बेसी समस्या थिला बाटरे प्रॉब्लम होउतले के जिकबार कोन के हैरान करतुले ए प्रॉब्लम होते केतर आमर पैसा मते होजला से टाइम रे बले आ बेसे कोन कोई परबो नेटवर्क नतला सब समस्या रे बेसे तलो एबे भगवान तो देर मोदी सरकार जगो आमे सब सुविधा पाइछो पूर्वे ए सब व्यवस्था नथिबा हेतु बैंक रे बहुत समय धरी रहिबा पडुथिला एवं सेई समयटा आमर नष्ट होय जाउथला वर्तमान छोटो दुकान चा चा देखिबा गले चा दुकान रे मध्ये यूपीआई गूगल पे व्यवस्था रही जहाँकि व्यवसाय मानक सुविधा सहयोग करुच्छी सब सुविधा चलती आम फोनपे भी पैसा देने चलती सबकि चलती कौन कौन सुविधा पाँच बहुत सुविधा होती आज जिनस नहीं जाए आउ थे पैसा फोनपे पे कही दे देखु पैसा पत्र जेब रे रहा मैंने केत हजी जा पकेट मार होता से सिस्टम आउ डर हुए ना मोबाइल पैसा रहा जो दुकान भी जीवे आराम से आप यूपीआई रे ना तांको टंके अधिक नेबे ना आप टंके अधिक देबे किछि एठी रे टेंशन नै ताकि हमर यूपीआई पेमेंट माने एति लागि बहुत बढ़िया सुविधा होछि हमके खाता पॉकेट रे भरबार भी नै पड़बा न धरबार भी नै पड़बा न
ମନେକର କେନ କାଣା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଘରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ପେରେ ପକେଇଦେବ ଟିକେ ଏତେ ଏତେ ବୋଲିଦେଲେ ବି ଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟା ସୁବିଧା ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ଗାଁଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା 10-15 କିଲୋମିଟର, ବେଶୀ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ୟୁ ପି ଆଇ ହେଲାରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ମାନେ କାମ ଯାକ ବି ହେଇଯାଉଛି। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱା, କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ ପାତ୍ର, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।